चकबंदी की मीटिंग के दौरान दो पक्षों में हुआ बवाल, दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट, चले ईंट पत्थर, घटना के दौरान फायरिंग भी की गई। मौके पर एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फरुखाबाद से, जहां पर अधिकारियों के सामने दबंगों ने जमकर चलाए ईंट पत्थर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फरुखाबाद से, जहां पर दो पक्षों की आपस में बवाल हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ईंट चला रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थरबाजी से लोग घायल हुए हैं। भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं फरुखाबाद से, आप देख सकते हैं कि काफी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद है यहां पर। के न्यूज आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थरबाजियां चल रही है, लोग एक दूसरे पर पत्थर चला रहे हैं। ये मंजर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चकबंदी की मीटिंग के दौरान दो पक्षों में किस तरीके से बवाल हुआ। इस युवक का मुंह आप देख लीजिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फरुखाबाद से ऋषि जुड़ चुके हैं। ऋषि, चकबंदी की मीटिंग के दौरान दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ, क्या कुछ है पूरा मामला? इसमें पुलिस और प्रशासन की पूरी लापरवाही रही है। काल से मामला विवादित चल रहा था, पुलिस और प्रशासन ने मामले गंभीरता से नहीं लिया, सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं थी, इसकी वजह से पूरी लापरवाही से पूरी घटना घटित हुई है वहाँ पे। ऋषि, अधिकारियों के सामने दबंगों ने जमकर चलाए हैं ईंट पत्थर, अधिकारियों से समय क्या कर रहे थे? अधिकारियों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया वहाँ पे, पावर तोड़ दोनों पक्षों फायरिंग होने लगी। क्या कुछ कार्रवाई अब हो रही है उन पर? अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फरुखाबाद से, के न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चकबंदी की मीटिंग में अधिकारियों के सामने ही जमकर ईंटे पत्थर चल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से ईंटे पत्थर चलाए जा रहे हैं। इस युवक का मुंह देखिए, पत्थर लगने से ये युवक घायल हो गया है। और आपको बता दें कि अधिकारियों के सामने चले हैं जमकर ईंट पत्थर। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फरुखाबाद से, जहां पर चकबंदी की मीटिंग के दौरान दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। और आपको बता दें कि अधिकारियों के सामने चढ़ाए गए हैं ईंट पत्थर। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक दूसरे को बुरी तरीके से पीट रहे हैं लोग। के न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है।